उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक लड़की जैसे ही ससुराल पहुंची, तो उसकी दुनिया सजने के बजाय पल भर में उजड़ गई। जिले में हुई एक अजीबोगरीब घटना में दुल्हन विदा कराकर घर लाए एक युवक ने कुछ ही घंटों के अंदर दूल्हे की वेशभूषा में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पति का शव देखकर दुल्हन को सदमा लगा है और वो वहीं पर बेहोश हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सत्येंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इटावा जिले के उसहारा थाना प्रभारी मंसूर अहमद ने बताया कि यह घटना उसहारा थाना क्षेत्र के सिवरा गांव की है। यहां रहने वाले ज्ञान सिंह यादव दिल्ली में डिफेंस प्रतिष्ठान में तैनात हैं और उनके छोटे बेटे सत्येंद्र यादव की 2 जुलाई को ताखा रतनपुरा गांव की विनीता यादव से शादी हुई। दोनों ही परिवारों ने रस्में पूरी की। 3 जुलाई को बारात दुल्हन लेकर दोपहर 2 बजे सिवरा पहुंची। घर वालों ने दुल्हन का स्वागत किया और इसके बाद रात में जागने के कारण रिश्तेदार और घर वाले सो गए। शाम 4 बजे सत्येंद्र यादव ने दूसरी मंजिल पर बने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रिश्तेदार ने कमरे में शव देखकर परिजनों को बताया। शादी के घर में पल भर में ही मातम छा गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कमरे से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिल पाया है। किसी को भी नहीं पता चल रहा कि आखिर दूल्हे ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया, क्योंकि दूल्हा शादी से बहुत खुश था। रिश्तेदारों ने बताया कि सत्येंद्र अपनी शादी से बहुत खुश था और शादी पक्की होने के बाद से ही लड़की से बातचीत भी करता था। दुल्हन को विदा कराकर लाने के मात्र 2 घंटे बाद ही वह आत्महत्या कर लेगा, यह किसी ने सोचा भी नहीं था, जबकि घर में कोई वाद विवाद भी नहीं हुआ था। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।